गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास रे लॉगरिथम्स पढ़े थे। लॉगरिथम्स रो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास रे लास्ट वर्ड मु कहि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। एरा मु आउटर कहि दउची प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तीनटा प्रॉपर्टी कहि थी, नंबर वन हो जी लॉग एम एन टू द बेस ए, थी कौन हम लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। सेकेंड प्रॉपर्टी कह लॉग एम बाय एन बेस ए, बाय थिले माइनस हम लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। थर्ड प्रॉपर्टी कह लॉग एम टू द पावर एन बेस ए, थिले ए पावर टाइप को आसो एन लॉग एम बेस। ये प्रॉपर्टीज मुझे आउ कि प्रॉपर्टीज अच्छे कहीदे। प्रॉपर्टी फोर लिख, प्रॉपर्टी फोर, प्रॉपर्टी फोर लिख के लॉग एम बेस रे मन कर ए टू द पावर बी थी, बेस कौन थी ए टू दि पावर बी थिले जो बेस रे पावर अच्छे पावर टाक को आसो, पावर टाक को आसो कि तले रहो मीन्स वन बाय बी लॉग एम बेस। फिफ्थ प्रॉपर्टी लॉग एम टू दि पावर एन बेस रे ए टू दि पावर बी, ए थी थ्री फोर दीटा जगह अप्लाई करियो। एम टू दि पावर एन अच्छे एन आक आस बेस ए टू दि पावर बी अच्छी बी आक आस तले रो एन ऊपर रो तेल कौन हम एन बै बी लॉग एम बेस है ब्राकेट दे पार ये ब्राकेट दे पार ये ब्राकेट दे पार ये मतलब ब्राकेट दे पार। तबरे प्रॉपर्टी सिक्स लिखो, प्रॉपर्टी सिक्स होची बेस चेंज थ्योरम बा बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल रे कौन सीख, गोटे बेस थी लॉग रो तार बेस को हम चेंज कर पारे। फॉर एग्जांपल लॉग एन बेस बी लिखा है, बेस ए लिखो, बेस ए ये जो बेस अच्छे बोल आपको चेंज कर पार एबे जो रूल लिखो बेस चेंज रूल ये लिखो देखो लॉग एन लिखो डिवाइडेड बेस रे के डिवाइडेड लॉग ए लिखो ये ऊपर तले लॉग रे सेम बेस नहीं पड़े ये बी लिखो ये बी लिखो एटा हूँ बेस चेंज रूल। लॉग एन बेस ए थिले ताको हमें भी लिख पड़े लॉग एन बेस बी डिवाइडेड लॉग ए बेस बी। तब नंबर सेवेन, नंबर सेवेन देख लॉग बी बेस ए थिले एटा में ए दीटा को इंटरचेंज करया पिले रेसिप्रोकल हो माने वन बाय लॉग ए बेस बी हो। बुझ पारल कौन कहली ए दीटा को जो इंटरचेंज करा जीवो तो लिखो माने रेसिप्रोकल कर लेदो वन बाय लॉग ए बेस बी। दिस इंप्लाइज इदा को क्रॉस मल्टीप्लाई करियो लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए इक्वल टू वन देख क्रॉस मल्टीप्लाई कर एटा के आसला कौच पे देख एटा के आसला ये आम प्रॉपर्टी सिक्स अप्लाई कर लॉग बी बेस ए लिखाई थी मुझे लिखी ऊपर लॉग बी तले लॉग ए लिखी ऊपर तले सेम बेस बी नहीं जी ऊपर तले बेस बी नहीं जाओ लॉग बी बेस बी रो वैल्यू लॉग रे मुझे कही दीटा वैल्यू सेम थी आंसर वन सो वन बाय लॉग ए बेस बी से लिखाई। तो प्रॉपर्टी सेवेन रो प्रूव हो गला यूजिंग प्रॉपर्टी सिक्स। तो यहाँ गोटे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए थिले देख पे ये जो नंबर अच्छे ये नंबर अच्छे ये जो नंबर ये नंबर
एडी जो नंबर एडी सी से नंबर क्रॉस रे देखा जो जदी सेम सेम कैटेगरी हमें 1 लिख पर इन जनरल इन जनरल इन जनरल हम कौन कोई परिया मने करो देखो पहले लॉग ए बेस बी इनटू लॉग बी बेस सी बेस डी इनटू लॉग डी बेस सी देखो एडेटा मैच हला कैंसिल हो गया एडेटा मैच हला कैंसिल हो गया एडेटा मैच हला कैंसिल हो गया एटा का तो मैच होनी एटा ऊपर अछि एटा का तो मैच होनी तळे अछि तो ए समस्त रो मल्टीप्लिकेशन कोन आसे लॉग एटा केत अछि ए एटा केत अछि ई लॉग ए बेस सी क्लिक कर लॉग ए बेस बुझ पालो प्रॉपर्टी नंबर 8 प्रॉपर्टी नंबर 8 कौन प्रॉपर्टी नंबर 8 प्रॉपर्टी नंबर 8 ऐसे ना देखा होगा यस एडजस्ट कर ले प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखो पहले a टू द पावर लॉग p बेस c बडे नंबर रो पावर रे लॉग जदि थिबो बडे नंबर रो पावर रे जदि लॉग थिबो देखो पहले हम केमदि देखौ छी a आउ b भीतर बडे एरर मार रखो प्रॉपर्टी कौन ए दिटा को तुम इंटरचेंज कर पर माने बी टू द पावर लॉग ए बेस सी लिख पर क्लियर प्रॉपर्टी 9 प्रॉपर्टी 9 तो लिखो ए टू द पावर लॉग एन बेस ए एटी मतलब तुम प्रॉपर्टी 8 अप्लाई करो ए दिना को इंटरचेंज करो तले कोन हो n टू द पावर लॉग ए बेस व्हाट इज लॉग ए बेस 1 लॉग रे दिना नंबर सेम थिले 1 हो तो n टू द पावर 1 केते ल n एतिकी प्रॉपर्टीज मन रखियो पिले एबे मु ए दिना प्रॉपर्टी प्रूफ करबी प्रूफ इनके किसी नेसेसरी नहीं बस बट जाने पे प्रूफ करबी आउडे नोट लिखो प्रूफ पूर्व करो नोट कौन नोट हो जी अगर एम के अच्छे देखो लॉग ए इनटू बी इन डिवाइडेड सी इनटू डी बेस लेट्स से स्मॉल ए एटी तमरो प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 दिडा अप्लाई हो फर्स्ट बाय को देखले कोन हो डिवाइड हो सॉरी माइनस हो लॉग ए बी बेस ए माइनस लॉग सी बी बेस ए किंतु मो अप्लाई करछ प्रॉपर्टी देखो प्रथम बाय को देख के माइनस करा लगे ए दिडा को इनटू देखि कोन करा हो प्लस करा हो मींस लॉग ए बेस ए प्लस लॉग बी बेस ए सिंबेडा बे सिंबेडा का वो लॉग सी बेस ए प्लस लॉग डी बेस बट एट माइनस अच्छी तो कौन वो लॉग सी बेस ए माइनस लॉग डी बेस लो नोट रो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट मन अगर एम दे अच्छी लॉग ए बी सी बेस ए प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स थिले एटा तीनटा लॉग रे कन्वर्ट हो दीटा नंबर प्रोडक्ट थिले दीटा लॉग आसे तीनटा नंबर प्रोडक्ट थिले तीनटा लॉग आसे मींस लॉग ए बेस ए प्लस लॉग बी बेस ए प्लस लॉग सी बेस ए हेलो यदि लॉग x1 x2 x3 डॉट 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 xn बेस ए लॉग पर प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स थिवो प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स थिवो
थिले ताको तमे जेंते तीनटा नंबर थिले तीनटा लॉग रे तीनटा लॉग रो प्लस रे लिखलो इनटू थिले प्लस मन रखो एटा भी इनटू अछि ताको तमे कोन लिख परियो लॉग x1 बेस ए प्लस लॉग x2 बेस ए प्लस लॉग x3 बेस ए प्लस एटा एक्सटेंड हबो अप टू लास्ट नंबर पर्यंत लॉग xn बेस ए क्लियर नाउ देखो पहले फर्स्ट दीटा जो प्रॉपर्टी लिखला देखो ठीक है नोट को से दीटा प्रॉपर्टी प्रूफ कर छ देखो प्रूफ तो हम दी इंपोर्टेंट नहीं स्टिल जाने पे तो भाव तो किंतु लॉग रे इनटू थिले प्लस हो जी बाय थिले माइनस किंतु हो जी तो क्लैरिफाई करे पे मैं प्रूफ कर छ देखो प्रूफ दैट क्वेश्चन फॉर्म लिख दे लॉग एम एन बेस ए इक्वल टू लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए प्रूफ किन करे देखो पहले लेट लॉग एम बेस ए इक्वल टू एक्स एंड लॉग एन बेस ए इक्वल टू वाई ए लॉग को गोटे नंबर नियो एक्स ए लॉग रो भी गोटे वैल्यू थी तक नियो वाई देन लॉगरिथम रो फर्स्ट क्लास रे हम कहथिली लॉग रो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म किन डाले एटी बेस के दे ए एटी वैल्यू के एक्स तो पावर के एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एम लिख परियो सिंपली ए लिख परियो ए टू द पावर वाई इक्वल टू एन क्लियर लॉग रो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म आले एटी इक्वेशन 1 एटी इक्वेशन 2 अभी कौन करेगा इक्वेशन वन इनटू इक्वेशन टू इनटू करो इनटू कहीं कराओ तो हमारे क्वेश्चन का पहले कहीं ना हमको एमएन दरकर एमएन बोले कौन एमएन टेन ना इधर इनटू कर लेगा एमएन एसयू सो फर्स्ट राइट साइड मल्टीप्लाई कर दियो एमएन इज इक्वल टू ए टेन टू एट इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इनटू ए टू द पावर वाई इज इक्वल टू दिस इनटू दिस बा एटी पावर रूल ऑफ इंडिसेस अप्लाई करले एटा केता हो ए टू द पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम क्लियर एटा देखो क्लियर कोन लिखे जे ए टू द पावर समथिंग इक्वल टू समथिंग आकु जदि हम कन्वर्टिंग टू लॉग आकु जदि लॉगरिथमिक फॉर्म रे चेंज करबा कन्वर्टिंग टू लॉग कि लिखाबो लॉग ए वैल्यू बेस रे के लिखो ए बेस लिखो इज इक्वल टू एक्स प्लस देन एक्स रो वैल्यू वाई रो वैल्यू पुट कर दियो तो लॉग एम एन बेस ए इक्वल टू लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस हेंस प्रूव्ड तो ये देख लो प्रॉपर्टी माना नहीं सिंदे सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ किन दे देखो सेकंड प्रॉपर्टी एटी का करेक्शन मु कर दो छी लॉग एम बाय एन थिले एडा खाली माइनस हो प्रूफ एमती का हो देखो किमिति कोडी चेंज हो देखो लेट दिस इज इक्वल टू एक्स नबो दिस इज इक्वल टू वाई नबो तो एठो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले इट आसी ए टू द पावर एक्स इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए टू द पावर वाई इक्वल टू एबे कोन करे पले इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2 एना हमको m by n दरकार ना ए डाले बर अछि m by n आने पे इटी कोन हो a टू द पावर x डिवाइडेड एपटे लिखा हो m by n डिवाइड करले m by n इक्वल टू दिस बाय दिस डिवाइडेड करले कोन माइनस हो a टू द पावर x डिवाइडेड a टू द पावर y के a टू द पावर x माइनस y इज इक्वल टू m by n अकु पूरी थरे कन्वर्टिंग टू लॉग लिखले लॉग ए नंबर लिखा हो एम बाई एन टू द बेस ए इज इक्वल टू पावर एक्स माइनस वाई द सिंपल प्रूफ डिवाइड कर दिले प्रूफ हो जाउछ हेंस प्रूफ हेंस प्रूफ
तोड़ा सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गला प्रूव से इंपोर्टेंट नहीं एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एबे किछ छोट छोट क्वेश्चन करि बोले लॉग विषय इतकी जान देले सफिशिएंट मैथमेटिक्स तो सते लॉग रो डिटेल यूज रहे खाली प्रॉपर्टी जको यूज अछि क्वेश्चन गुडा रे प्रॉपर्टी यूज हबो एबे किछ क्वेश्चंस करिया बेस राउंड लॉगरिथम ए दिरा प्रॉपर्टी तुम घरे प्रैक्टिस करियो प्रूफ किन देला प्रॉब्लम्स लिखो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 4 बेस 6 प्लस 1 बाय लॉग 6 बेस 9 देखो ये क्वेश्चन किन देखो बेटे हाउ टू डू दिस क्वेश्चन आंसर log 4 base 6 अच्छे plus 1 by log 6 base 9 जब भी 1 by गोटे log देखियो सेडे base चेंज property कर जो property को आइतले से property apply करो माने हमें कौन करे पहले देखो ए log को ऊपर नहीं थियो ए log जदी गोटे log तले थियो denominator थियो ताको ऊपर नेले एदिरा इंटरचेंज हबो माने कौन हबो log 9 base 6 एमती करे दर सुविधा कोन होला दिटा को लॉग रो बेस सेम हे गेला तबर मजरे प्लस होसी मजरे प्लस के प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करो लॉग एन बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए थिले ए दिरा इनटू हो 4 इनटू 9 बेस 6 दैट इज लॉग 4 इनटू 9 केते 36 बेस 6 ए क्वेश्चन तमे दी प्रकार कर पर हम जो फर्स्ट क्लास रे मु किछ क्वेश्चन करथले सेमती कर पर कि बाउडे इजी वे हला बेस केते छ 6 36 को 6 रो पावर लिख ले 2 6 रो स्क्वायर 36 अगर प्रॉपर्टी 3 जदे अप्लाई करे 2 टाक को आसी तो कते ला 2 log 6 बेस 6 अगर ये log 6 बेस 6 रो वैल्यू 1 log करे दिरा नंबर सेम थले 1 2 into 1 के दे 2 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ log 27 बेस 9 माइनस log 9 बेस 27 log 27 बेस 9 माइनस log 9 बेस 27 आर आंसर देखो बिले कौन करा हो log 27 बेस 9 माइनस log 9 बेस 27 27 9 एटी भी 9 27 देख सो एक उटा को नंबर रो पावर है ऐसे 3 रो पावर है ऐसे तो सब जगह नंबर को 3 रो पावर चेंज करो 27 होची 3 क्यूब 9 होची 3 स्क्वायर माइनस log 89 होची 3 स्क्वायर 27 होची 3 क्यूब आपको बेस करो बड़े प्रॉपर्टी को आइतला log पर 80 भी पावर थे बेस रे भी पावर थे पावर जगह का क्वेश्चन 80 जो पावर है सो ऊपर रहो 80 जो पावर बाहर गए सो तले रहो माने 83 का पूरा बाहर है सो ऊपर रहला 80 का बाहर गए सो तले रहला तो कितने रहला log 3 बेस 3 माइनस सिम देखिए 2 डा बाहर गए से ऊपर रहो तले 3 डा बाहर गए से तले रहो लॉग 3 बेस 3 ये भी सुविधा कौन है लॉग 3 बेस 3 का वैल्यू ये डी मतलब लॉग 3 बेस 3 का वैल्यू है एंड बोथ आर इक्वल टू 1 ये प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास में कोई दिल्ली मु लॉग एन बेस एन का वैल्यू सब बोले 1 ना हो तो ये डा 1 सेटा भी 1 सो फाइनली दिस इज 3 by 2 minus 2 by 3 3 by 2 minus 2 by 3 which can be easily solved it is LCM with the 6 ho 2 gala 9 ho 3 gala 2 sorry answer would be 5 by 6 answer would be 5 by 6 question number 3 likho क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 16 और आउट ब्रैकेट अछि लॉग बेस 4 और आउट ब्रैकेट अछि लॉग 16 बेस 2 तीनटा लॉग अछि इनटा क्वेश्चन को सॉल्व किन करबो पूरा भितरे जो लॉग थियो इनसाइड जो लॉग थियो ता सेटू स्टार्ट करियो आंसर देखो
log base 16 bracket log base 4 bracket ए log को carefully देखो ये base रे 2 अच्छे ये 16 अच्छे तो आरो उक्त वैल्यू दी प्रकार काढ़िया हो सब इजी मेथड आला ए बेस टू तो बेस टू रहला 16 को 2 रो पावर लेखा 2 रो पावर लिख लेते 4 बिकॉज़ 2 रो पावर 4 होती 16 देन प्रॉपर्टी 3 जे अप्लाई करियो पिले ए प्रॉपर ए जो पावर आपको ऐसे आपको पूरा कर दो बने जस्ट ए लॉग रो बाहर काढ़िबो हमने इथे से रहो कितना वो लॉग बेस 16 ऑफ लॉग बेस 4 ऑफ 4 log 2 base 2 एटा 1 log 2 base 2 is 1 तो फाइनली ए ब्रैकेट रे केत अछि 4 अछि मींस log base 16 log 4 base 4 व्हाट इज log 4 base 4 एटा आउथरे 1 हम केत log 1 base 16 एटे प्रॉपर्टी 1 पडछि नोट टोकै छला फर्स्ट क्लास रे log पर एटे 1 थिले आंसर सब 0 आबो log 1 base n आंसर सब जीरो यदि भूल जाए यू कैन विजिट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लॉगरिथम बा आर जस्ट प्रीवियस क्लास देन क्वेश्चन नंबर 4 लिखो पिले क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखो find the value of log 5 base 10 plus 2 log 0.5 base 10 plus 3 log 2 base 10 এই কোশ্চেন কেন দেখো প্লে এই সব যাক লগ ভিতরে যে দেখো বেস রে 10 আছে এন্ড মধ্যে প্লাস আছে তো উই শুড থিংক অফ অ্যাপ্লাইং ফার্স্ট প্রপার্টি তো লগ 5 বেস 10 প্লাস 2 লগ 0.5 বেস 10 প্লাস 3 লগ 2 বেস 10 তো সকলে প্লে মন রাখো লগ পূর্বর যদি কিছু নাম্বার থিও দেন ইউ ক্যান নট অ্যাপ্লাই দ্য প্রপার্টি 1 एबे प्रॉपर्टी 3 को रिवर्स रे अप्लाई करो जो 2 टा बाहर अछि को आगो काल ले यासी पावर रहयो ये 3 टा को असले आगो काल ले पावर रहयो नेला पर हमें प्रॉपर्टी 1 अप्लाई कर करियो log 0.5 रो स्क्वायर बेस 10 log 2 रो क्यूब बेस 10 दैट इज log 5 बेस 10 प्लस log 0.5 माने केते पिले 1/2 1/2 रो स्क्वायर केते 1/4 एडियस लॉग 1/4 प्लस लॉग 2 रो क्यूब ले 8 बेस 10 एबे पले ए तीनटा का लॉग को मिसे गुटे लॉग लिख परियो वेरी इंपोर्टेंट बेस सेम फिगर अछि कोन लगा बेस तो 10 लिखाओ 5 इनटू 1/4 इनटू 8 दैट इज लॉग बेस 10 टका टाव 4 2 जा 8 इट फाइनली आउटर 10 बोलैसला तो लॉग 10 बेस 10 केते 1 बुझ कर तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर log 5 बेस 3 माइनस 5 टू द पावर log 2 बेस 3 उडे नंबर ऊपर पावर रे नंबर रो पावर रे log थिले मो लास्ट रे प्रॉपर्टी कथि मान पकाओ सुनो प्लेट कोन करियो ए दिटा नंबर भीतर सब लेन गुटे कनेक्शन करियो करके इधर को तुम इंटरचेंज कर पाइयो तो आंसर कोन हो देखो क्वेश्चन अच्छा बारे 2 टू द पावर log 5 बेस 3 माइनस 5 टू द पावर log 2 बेस 3 देखो जदि मु ए दिरे को इंटरचेंज करे रे कोन हो 5 टू द पावर log 2 बेस 3 मु कोन के लिए फर्स्ट log रे ही प्रॉपर्टी अप्लाई करले सेकंड रे एज इट इज छाड़ देली छाड़ देले सुविधा कोन होला इदिरे सेम देखा गला एबे कटी जीवो आंसर 0 क्वेश्चन नंबर 6 लेखो पिले
क्वेश्चन नंबर 6 कौन फाइंड द वैल्यू ऑफ भल क्वेश्चन एंट्रांस में इम्पोर्टेंट लॉग बेस 2 ऑफ रूट ओवर 56 प्लस रूट ओवर 56 प्लस रूट ओवर 56 प्लस डॉट 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 इनफिनिटी। तो यही क्वेश्चन किन कर लॉग रो बेस रे तो 2 अछि 8 जो नंबर अछि पिले आकु कोआ जाउछि गुटे सीरीज रे लिखाइ छि रूट ओवर 56 प्लस रूट ओवर 56 प्लस रूट ओवर 56 बाहर गुटे बडो रूट अछि से भीतर रूट 56 रूट 56 रूट 56 इन्दे इन्फिनिटी टाइम्स अछि ए नंबर रो वैल्यू किन कडा मे सिखौ छि फर्स्ट आंसर लेट x इज इक्वल टू रूट ओवर ए नंबर को x नै जाउ 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 अप टू इनफिनिटी एंटा क्वेश्चन आगर भी थोर कहि थिले भला ऑब्जर्व करो ए रूट 56 को छाड़ देले बाकी जहां लिखाई छे भला ऑब्जर्व करो एटा ऑथर एटा रिपीट कर लिखाई छे जे इनफिनिटी टाइम्स अछि त हमें कोन करबा फर्स्ट रूट ओवर 56 को छाड़ दबा प्लस को भी छाड़ दबा बाकी जहां लिखाई छे सेटा तुम आउथर एक्स द्वारा रिप्लेस कर पे कहना ए पूरा नंबर आ ए नंबर सेम कहीं अप टू इनफिनिटी पर्यंत जाउ छे हला तो एक्स इज जो कौन हम रूट ओवर 56 प्लस एक्स हम एटा एटा बुझा दरकार एटा केम दे एक्स हला उधर जेतु ए ऑपरेशन रूट ओवर ऑपरेशन का इनफिनिटी टाइम्स अछि ना माने मु कहे मतलब कौन मन कर रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 एति लिखाई थांदा आकु जे हम एक्स नै थांदे ए ए गोटे को छड़ दला पर एटा एक्स ही न थांदा जेहेतु इनफिनिटी थर अच्छे से गोटे रूट 56 को बाद देने मतलब किसी फरक पड़े दैट मीनस आर हो तुम आउ थे एक्स लिख पार देख स्क्वेरिंग कले एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 56 प्लस एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस 56 इक्वल टू 0 फैक्टराइज करो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 इक्वल टू 0 एक्स कॉमन एक्स माइनस 8 प्लस 7 कॉमन एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 8 और एक्स इक्वल टू माइनस 7 तुमको बेसिक मेथड से कही रूट ओवर वैल्यू के नेगेटिव हेनी रूट ओवर भितर जो नंबर थोड़ा तो तार आंसर सब पॉजिटिव तो ए रूट ओवर वैल्यू को मैं एक्स नहीं तो ये रिजेक्टेड हमने 8 लिखा बदल एम लिखाई बोले क्वेश्चन टाइम 8 न लिखिकी से लिख ला मैंने आर प्रकृत को लिखे 8 तो देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन क्वेश्चन रहा गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कौन हम लॉग बेस 2 आपको मुझे एक्स नहीं एक्स रैल्यू के बाहर 8 बाहर तुमने ये लिखाई है लॉग 8 बेस 2 आर वैल्यू के 8 को तुम 2 रो पावर लिख लॉग 2 क्यूब बेस 2 देन ये पावर टा कौन 3 लॉग 2 बेस 2 दैट इज 3 इनटू 1 लॉग 2 बेस 2 के 1 हो तो 3 इनटू 1 के 3 क्लियर अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू गोटे क्वेश्चन लिख दियो क्वेश्चन नंबर 7 एटा भी गोटे भल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कौन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय लॉग एक्स वाई जेड बेस एक्स वाई प्लस 1 बाय log xyz base yz plus 1 by log xyz base zx maximum question re pile log ro jetule gote log reciprocal form re thibo kon kara jibo gote question number bi karthile ge mane given expression pile mu ei lomba expression no likha pe ge le dili given expression eta likhibo thare ta por step re माने 1 बाय माने गोटे तले लग अच्छे ऊपर को नहीं जाओ ऊपर नहीं कौन हम इंटरचेंज हम तो
कौन हम लग एक्स वाई बेस एक्स वाई जेड एट कौन सेकेंड टाइम लग वाई जेड बेस एक्स वाई जेड थर्ड टा कौन लग जेड एक्स बेस एक्स वाई जेड इजी कौन हल सब थर बेस सेम पलैस सब थर बेस सेम पलैस एवं कौन कर तीन टा लग को मल्टीप्लाई कर एक्स वाई इंटु वाई जेड इंटु जेड एक्स ये तीन मल्टीप्लाई कर बेस रे एक्स वाई जेड रख पड़ा कौन एक्स वाई इंटु वाई जेड इंटु जेड एक्स कौन हम एक्स वाई जेड रो स्क्वायर देख एक्स दि थर अच्छे वाई दि थर अच्छे जेड दि थर अच्छे इजीला टू पावर टाक आस टू लग एक्स वाई जेड बेस एक्स वाई जेड ए लॉग आंसर कितने ए लॉग आंसर 1 कहीं लॉग पर इधर सेम अच्छे तो फाइनल आंसर इज 2 * 1 = 2 स्टूडेंट्स थैंक यू।